हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स यूनिवर्स। नाउ टुडे आवर टॉपिक इज स्टैंडर्ड 12 चैप्टर 1.11.1 द फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल। सो अर्लियर वी डिस्कस इन इलेक्ट्रिक डायपोल टॉपिक दैट इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ फॉर्मेशन ऑफ वन पॉजिटिव चार्ज एंड अनदर इज सेम अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज। क्लियर? सो अगर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बोथ प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण हमें फील्ड की कुछ स्टडी करनी है। तो अर्लियर वी डिस्कस दैट द पॉजिटिव चार्ज, इफ पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड देन वी डिनोट इट एज ई प्लस क्यू। It is vector quantity, that's why I have to write vector. Now negative charge, so negative charge, so I have to write negative, and electric field is denoted as vector E minus Q. Okay. अब electric dipole, हम लोग उसका लगभग study कर सकते हैं कि सपोज के इलेक्ट्रिक डायपोल, तो उसके कारण जो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी फॉर पॉइंट्स ऑन एक्सिस, एंड दूसरा जो अगर पॉइंट हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल के कारण जो उसके इक्विटोरियल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा उसका भी डिस्कशन करने वाले हैं। क्लियर? तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल on the electric four points on axis. Okay, four points on axis. तो उसके लिए axis के point, मतलब के इसके जो parallel जो point आएगा वो, तो हम लोग यहाँ पे अगर point को assume करेंगे कि P point पे हमें find करना है electric field, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे हमें फाइंड करना है। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस चार्ज एज वेल एज ड्यू टू दिस चार्ज, पहले तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस दैट इज 2a। ओके, नाउ फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द डायपोल टू दैट पॉइंट P, दैट डिस्टेंस डिनोटेड एज r। क्लियर? तो डिस्टेंस के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पे पहले मैं फाइंड कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, तो वेक्टर ई प्लस क्यू इज इक्वल टू के, फिर कौन सा चार्ज है, तो प्लस क्यू चार्ज, दैट्स व्हाई आई हैव टू राइट क्यू, अपॉन डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। तो डिस्टेंस इज यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो पूरा डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमें मालूम है दैट इज आर, बट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये मिड पॉइंट है, तो ये हो गया 2a by 2, मीन्स ये डिस्टेंस हो गया a। सिमिलरली ये डिस्टेंस भी कौन सा हो गया a। क्लियर? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो r प्लस a, तो यहाँ पे आ जाएगा r प्लस a होल स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू 1/r² डिस्टेंस स्क्वायर। क्लियर? इसको आगे ऐसे भी लिख सकते हैं कि q अपॉन 4πε₀ r प्लस a होल स्क्वायर। क्लियर? सिमिलरली अभी हम बात करेंगे नेगेटिव चार्ज के बारे में, तो वेक्टर e माइनस q इज इक्वल टू माइनस के क्यू अपॉन, ओके, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का आर डिस्टेंस वी नो दैट, तो वो डिस्टेंस में से अगर ये सब्ट्रैक्ट करेंगे इतना डिस्टेंस, तो हमें यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर? तो ये डिस्टेंस हो गया आर माइनस ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि फॉर्मूला यहाँ पर रखेंगे तो माइनस क्यू अपॉन 4πε₀ आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमें इस पॉइंट पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो
तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें समेशन करना है। आगे भी हमने पढ़ा है, दिस इज कॉल्ड सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। तो वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर ई प्लस क्यू प्लस वेक्टर ई माइनस क्यू। क्लियर? सो नाउ पुटिंग फॉर्मूला इन दिस इक्वेशन, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर प्लस ए होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे माइनस साइन है प्लस, यहाँ पे माइनस, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर माइनस ए होल स्क्वायर। ओके, नाउ कॉमन, कॉमन्स आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। सो इक्वेशन बिकम्स नाउ 1 अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर? नाउ इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। ओके, टेकिंग एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम दिस बिकम्स आर माइनस ए स्क्वायर माइनस आर प्लस ए होल स्क्वायर अपॉन आर प्लस ए होल स्क्वायर इंटू आर माइनस ए होल स्क्वायर। क्लियर? इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो। नाउ आर माइनस ए होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर प्लस 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर, ब्रैकेट कंप्लीट, अपॉन ये फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला में हम लोग देख सकते हैं कि आर प्लस ए आर माइनस ए, डिफरेंस इतना है कि दोनों के ब्रैकेट के ऊपर पावर स्क्वायर है। क्लियर? तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये टर्म कंप्लीट हो गया, अब होल स्क्वायर लिख लेते हैं, तो ये टर्म भी कंप्लीट। क्लियर? सो इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर 2 आर ए प्लस ए स्क्वायर। नाउ माइनस इनसाइड ब्रैकेट माइनस आर स्क्वायर माइनस 2 आर ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल। नाउ रिमेनिंग टर्म्स आर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ब्रैकेट माइनस 4 आर ए अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। क्लियर? सो अवर लास्ट आंसर इज माइनस 4 आर ए क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। सो अवर लास्ट टर्म इज दिस। नाउ फ्रॉम दिस इक्वेशन बाय 4 पाई एप्सिलॉन जीरो यू कैन राइट के। क्लियर? नाउ हियर इट इज 4, सो आई कैन राइट हियर 2 ए क्यू। नाउ 2 इज रिमेनिंग, सो 2 आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। ओके, नाउ 2 ए क्यू, अर्लियर वी सेड दैट दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। सो के इंटू पी इंटू हियर 2 आर, सो 2 आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल फॉर नियरर डिस्टेंस, बट वॉट अबाउट फॉर फारर डिस्टेंस? सो फॉर फारर डिस्टेंस दैट इज दिस आर इज ऑलवेज मच ग्रेटर देन ऑफ ए, सो ए शुड बी नेग्लेक्टेड हियर। अगर ए को अगर नेग्लेक्ट करेंगे तो के पी टू आर, सो आर रेज टू 4 हियर। If r is to 4, r cancel and here will be 3. So 2kp upon r cube. So this is the last equation which is depend on distance r and it is called for axis point. Clear? So electric dipole, electric field on axial point. Now we discuss for points on equatorial plane, means electric field on the equatorial plane due to electric field.
So now suppose I have to form first electric dipole. So here electric dipole negative charge, here it is positive charge, and equilibrium point is here. From midpoint to that distance denoted as R. Clear? Distance, this is A. Similarly, this distance is also becomes A. Okay. Now, due to minus Q charge, electric field direction is in this direction towards minus Q charge. Due to positive charge, electric field direction, it is like this outward direction. So due to these two electric field, resultant electric field will be in this direction. So we denote it as vector E. So this is due to negative, denote it as by E minus. Due to positive, denote it as by vector E positive E plus. Okay, now I have to write first positive electric field formula. So vector E plus is equal to K due to Q, that's why Q, upon distance. So this distance, what is this distance? This is the hypotenuse of this triangle. So it will become R square plus A square whole square. Clear? Now distance, sorry, here no need to write whole square, because this equation itself square of this side, this Pythagoras, this hypotenuse. Clear? Okay. Now for vector E minus, due to negative charge, it will become KQ upon again this hypotenuse. This is also, so by this equation it is also R square plus A square. Now here we don't write negative sign because it is not opposite to this electric field, but previously in the axis point in positive electric field we write here positive charge, but negative we write here negative charge. But here this electric field is not opposite to this electric field. Clear? Okay. Now due to these two, suppose we find projections of these two electric fields, because they are not perfectly in one direction. So suppose for this projection is in this direction, upper direction as well as left hand side. Clear? For this, in this direction, so downward direction and as well as in this direction. Clear? Suppose this is the angle theta. So now which angle is will become theta? So for to find that this is the similar line and this is the parallel line, so this will become theta. It will form Z. Clear? So theta similar for this, which will form theta. So perpendicular this line, and this is perpendicular to this, so again this will form theta. So both the formation theta, so this will become cos theta for both the fields. So cos theta, they are on same direction left hand side, but their sine theta components are cancel each other because one is upward, another is downward. And here we know that the charges are of same amount, but they are only opposite. So electric field values are also same, that's why they are completely cancel each other. Clear? So we have now only cos theta component, and that is left hand side. Clear? Okay. Here left hand side electric field, and what is electric dipole direction from negative to positive right hand side, both are opposite, that's why I have to write electric field E is equal to first of all minus, because of opposite direction. And here first E plus Q cos theta plus vector E minus Q cos theta.
here e plus means e plus q cos theta, e minus means e minus q cos theta. Clear? Both are in same direction, that's why I have to add both of them. And negative sign indicates that it is the opposite of electric dipole direction. So I have to write also here electric dipole direction as unit vector e hat. Clear? Now from both the term, cos theta is common, so minus e vector plus q plus vector e minus q cos theta into p hat. Clear? Okay, now we can write this two equations here. So minus q upon 4 pi epsilon 0 r square plus e square. Similarly, plus q upon 4 pi epsilon 0 r square plus e square. Now cos theta. What is cos theta? Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Now from this figure, what is our base? So base is this A. So A upon hypotenuse. Hypotenuse means this. So hypotenuse is, so it is the only side hypotenuse. Hypotenuse means under root of r square plus a square. Under root means 1 by 2. Clear? So this is whole equation for equatorial plane. And last one is p hat. Okay. Now these two terms are same, so now we can form whole equation as minus 2aq upon 4 pi epsilon 0. Now these two terms are same, and this one is raised to 1 by 2. 1 by 2 plus 1 here. So that means r square plus a square raised to 3 by 2 into p hat. Clear? Now 2aq upon 4 pi epsilon 0. First of all, 4 pi epsilon 0, we can write it as k. 2aq means electric dipole p upon r square plus a square raised to 3 by 2, and as unit vector is p hat. So this is the equation for equatorial plane, means whenever electric dipole is there at their equatorial point, we get this equation. Okay. So again, this r distance is very near as shown in the drawing, but if r is very much greater than a, then what happens in this equation? So is equal to minus kp upon a will be neglected. So equation becomes like this, r square raised to 3 by 2 into p hat. 2 to cancel, so equation will become minus kp upon r cube into p hat. Clear? So again, for equatorial plane also, there is our electric field will depend on 1 upon r cube. So by this whole method, we can conclude that the for farther distance from the electric dipole, electric field will be depend on 1 upon r cube. Means the inversely to the distance of cube. Clear? So in the last, that our electric dipole formula is p is equal to 2aq. We know that. But what happens when 2a tends to 0? If 2a tends to 0, that means the positive and negative charge both are coincide with each other. Whenever both coincide with each other, this q charge will be infinity. Q tends to infinity. So this will tends to 0 and this will tend to infinity. So whole equation, whole electric dipole will become finite, because by these two multiplication, 2a and q,
infinite and tends to zero will become finite value. Okay, thank you for today.